गोवा इंडिया का सबसे छोटा स्टेट है और साथ ही 3,702 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। गोवा यहाँ की कुल पॉपुलेशन 15.8 लाख है। गोवा स्टेट छोटा होने के बावजूद भी इंडिया के सबसे ज़्यादा टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है। गोवा एक ऐसा स्टेट है जो दुनिया भर के हर हिस्से से लाखों टूरिस्ट हर साल यहाँ घूमने आते हैं, उनमें से हम भी एक है। गोवा दिन में जितना खूबसूरत है, रात में कई गुने ज़्यादा मज़ेदार भी। गोवा की नाइट लाइफ दुनिया भर में फेमस है, तो चलिए जानते हैं कुछ खास और कुछ मज़ेदार गोवा की बातें। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नियंदर व्लॉग। आज हम लोग का तीसरा दिन है ये गोवा में, और तीसरा वाला व्लॉग है जो हम लोग हनीमून का ट्रिप प्लानिंग किए थे, वो वाला बहुत ही ब्यूटीफुल चल रहा है। एंड अभी हम लोग है बागा बीच और कैलंगुट के बीच में। इधर पे है बागा बीच और हम मेरे पीछे भी कैलंगुट बीच। तो इस दो बीच को आज नाइट लाइफ एक्सप्लोर करेंगे कि नाइट लाइफ यहाँ का कैसा होता है और क्या क्या स्पेशल होता है और क्या क्या से आपको बचना चाहिए, तो इस बारे में बताएंगे। और साथ ही आपको यहाँ का जो लोकल मार्केट है, वो लोकल मार्केट चीपेस्ट लोकल मार्केट भी घुमाएंगे। तो फिलहाल अभी मैं और सरिता इधर पे पूरा घूमेंगे, साथ में आपको कुछ कुछ बताएंगे भी और बहुत ही मज़ा भी करेंगे, है ना। तो गाइस, प्रीवियस वाला जो वीडियो था हम लोग का पार्ट टू वाला, मतलब वही सोच लीजिए पार्ट टू, तो वो वाला मैंने स्टार्टिंग जो है वो मैंने किया था मॉर्निंग स्टार्टिंग। तो मेरा व्लॉगिंग कैसा था प्लीज़ कमेंट में ये भी बता दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी मिलेगा। थोड़ा मुझे नहीं आता है ठीक से, बट से करते हैं ना व्लॉगिंग में, मुझे तो ठीक से नहीं आता है। मैं जब भी व्लॉगिंग बनाती हूँ कुछ बोलती हूँ, रोहित मुझे हमेशा बोलते हैं ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ, मेरा वीडियो पे बहुत कट मारता है। अरे कोई बात नहीं, इस तभी गलती करेगा तभी तो सीखेगा ना। इसको मैं बहुत बार समझाता हूँ कि ऐसे करो वैसे करो। तो खैर जो भी हो, फिलहाल अभी जो मेरे पीछे में काफ़ी मस्त सा सीन हो रखा है यहाँ पे, ये देखो इधर पे एंड उधर पे भी है और इस साइड पे भी है, तो मैं आपको सामने से दिखाऊंगा तभी आपको पता चलेगा। और इधर पे है समुंदर और यहाँ पे है हमारे मोहतरमा सरिता। सरिता मज़ा आ रहा लेकिन ना बहुत एकदम, चलो इसी बात पे एक बार डांस करके दिखा दो। ये देखो गाइस डांस कर रही है, तो गाइस लोग को इंस्टाग्राम में जाना होगा। हाँ सही बोला, सारे डांस वीडियो है वही। तो गाइस आप लोग हम लोग का इंस्टाग्राम लिंक पे जरूर जाइएगा और हम चेकआउट कर लीजिएगा एक बार। ओके ठीक है, मैंने कर लिया हूँ, अब आपके बारी है। ओके तो यहाँ पे जोरदार पार्टी वगैरह चल रहा है मस्त, एंड आप लोग भी आओगे तो यहाँ पे अंदर जा सकते हो। और यहाँ पे क्या चार्जेस वगैरह है नहीं है वो आगे बताएंगे, आगे डिस्कशन करेंगे। काफ़ी मस्त है इधर पे, ये देखो एंड ऐसा पूरा एकदम आगे तक है लास्ट तक। तो कुछ ही देर पहले बारिश जो है कम हुई थी और अभी यहाँ पे जो है देखिए गाइस धीरे धीरे फिर से माहौल जो है जमने लगा है। कुछ देर पहले बहुत ही ज़ोरदार खतरनाक बारिश हो रही थी, इस वजह से थोड़ा सा क्राउडी जो है कम देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे फिलहाल हम लोग आज गोवा का नाइट लाइफ एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल मैं और सहिता ये जो है गोवा का बीच पे आ चुके हैं, ये इस बीच का नाम है कैलंगुट बीच, और यहाँ का नाइट लाइफ कैसा होता है और बागा बीच का नाइट लाइफ कैसा होता है वो आज ये वाला वीडियो में बताएंगे। और साथ ही रेट भी बताएंगे कि आप कौन सा क्लब में जाना सही रहेगा कौन सा क्लब में नहीं, और कितना प्राइस पड़ेगा एंट्री फी, और यहाँ का जो चीपेस्ट मार्केट है वो भी साथ में बताएंगे। एंड यहाँ पे देखिए गाइस बारिश कमने की वजह से थोड़ा क्राउडी जो है कम देखने को मिल रहा है, बट आप इस बात पे घबराए नहीं और आप भी आके पूरा फुल एंजॉय कर सकते हो। तो आओ यहाँ पे बहुत ही एंजॉय करो, हम लोग तो फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं और साथ ही इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं हम लोग का वीडियो में। और हम लोग का वीडियो अच्छा भी लगेगा तो सब्सक्राइब भी करना और लाइक भी करना, कॉमेंट करके बताना कैसा लग रहा है यहाँ का माहौल वगैरह। Do it.
यहाँ का सिचुएशन बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड है मतलब वेदर का, क्योंकि अभी देखो गाइस माहौल चेक करो, मतलब सबको इंजॉयमेंट कर रहा है और ऊपर कहीं कहीं तारा वगैरह भी दिख रहा है, तो स्टार वगैरह दिख रहा है, ये बहुत ही अमेजिंग है। एंड सुबह से खतरनाक वाला बारिश पड़ रहा था, आप लोग ने देखा होगा, तो वेदर का कुछ कह नहीं सकते। अगर ये वाला मैच आना चाहते हो तो आप आ सकते हो निश्चिंत होके। एंड यहाँ पर बजट की बात करेंगे तो आपको होटल आराम से 1000 रुपये के अंदर मिल जाएगा। इवन हम लोग को आज 700 रुपये में होटल भी मिल गया है। एंड मैंने ऑनलाइन से बुक किया था वो 1000 रुपये 2 दिन का, टोटल हम लोग 3 दिन में 2700 रुपये दिया हूँ होटल का, तो एकदम सस्ता में निपट गया है ना। तो खाना वगैरह भी कोई एक्सपेंसिव नहीं है। हाँ। अगर अच्छा से आप लोग दुकान चेक करके खाते हैं तो फिर अच्छा ही बजट में ही आप लोग को मिल जाएगा अच्छा खाना, वो भी जैसे आप लोग जिस स्टेट से आएंगे उस स्टेट का खाना मिल जाएगा। ये नहीं है कि मतलब गोवा है तो बस खट्टा खट्टा टाइप का ही खाना हाँ। मिलेगा, हर टाइप का खाना अवेलेबल है यहाँ पे, टाइप का खाना मिल जाएगा आप लोगों के लिए। मुझे जैसे कि टेंशन हो रहा था ट्रेन में, जैसे ही साउथ साइड जैसे एंटर किया बस इडली डोसा ये सब टेस्ट आप लोगों को पता ही होगा साउथ साइड का टेस्ट कैसा होता है, तो वैसा टाइप का टेस्ट का खाना मिला था, मुझे काफी टेंशन हो रहा था। और मैंने रोहित को भी बोला कि ला ऐसा खाना मिल रहा है अब कैसे हम लोग खाएंगे, इतना दिन कैसे रहेंगे। पर जब हम लोग ने यहाँ पे एंटर किया रेस्टोरेंट वगैरह चेक किया, फिर उसके बाद हम लोग को एकदम अपना स्टेट का जैसा खाना मिल गया। मेन तो है भाई खाना और नींद है कि नहीं भाई, तो खाना भी पर हेड 300-350 में भर पेट एकदम खाने को मिल जाता है, और अच्छा ही सोने के लिए कम से कम 1000 रुपये आपका होटल पकड़ लो ये वाला सीजन में। एंड ट्रैवलिंग वगैरह जो है 400 रुपये पर हेड आपको स्कूटी मिल जाएगा, वो रेंट करो और बिंदास ये वाला जगह को एक्सप्लोर करो। अभी उधर का नाइट लाइफ एक्सप्लोर कर दिया हूँ एंड अभी मैं जाऊँगा इधर पे, ये रोड काफ़ी फेमस है एंड आगे जाके बताता हूँ कि ये रोड का नाम क्या है। एंड बहुत ही मस्त होने वाला है ये वाला वीडियो में, यहाँ पे बहुत पार्टी वगैरह होती है तो उधर पे मैं जाके आपको बताता हूँ। ये जो रास्ता है इस रास्ते का नाम है टीटोज लेन, ये गोवा में बहुत ही फेमस रास्ता है। साथ ही ये जो रास्ता है ये क्लब्स पार्टी वगैरह नाइट पार्टी वगैरह के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है, और यहाँ पे बहुत सारे लोकल मार्केट है, चीपेस्ट मार्केट जो बोलते हैं ये वो टीटोज लेन पे है। तो फिलहाल अभी हम लोग लेने वाले एक क्लब के अंदर एंट्री, यहाँ का एंट्री फी कितना होता है वो डिस्कशन करेंगे, यहाँ का नाइट लाइफ कैसा होता है वो डिस्कशन करेंगे, और क्लब पार्टी वगैरह में कैसा सीन होता है वो हम लोग का वीडियो के थ्रू आप लोग को बताएंगे। एंड यहाँ पे स्कैम जो होता है वो भी आगे हम लोग डिस्कशन करेंगे, तो फिलहाल स्किप मत करना, फिलहाल चलते हैं सीधा हम लोग क्लब के अंदर द पिंक एलिफेंट। तो फिलहाल हम लोग इसी क्लब में एंट्री लेने वाले हैं, ये वाला टीटोज लेन के अंदर है, फिलहाल हम लोग एंट्री ले रहे हैं, यहाँ से एंट्री पॉइंट है। एंड एंट्री फी जो लगी है वो 1000 रुपीज़ लगी है। एंड यहाँ का माहौल देखो और बाहर का माहौल का कंपेयर करो, बहुत ही डिफरेंट मिलेगा। यहाँ पे दारू वगैरह सस्ती है, यहाँ पे क्लब्स में बहुत ही जोरदार पार्टी वगैरह हो रही है। तो फिलहाल हम लोग अभी इंजॉय करते हैं एंड आप लोग थोड़ा वीडियो का मजा लो। अभी हम लोग आ गए थे यहाँ पे मैग्नेट वगैरह लेने के लिए, आई लव गोवा ये सब कुछ लिखा हुआ है, तो ये मैं जहाँ पे भी जाता हूँ ये सब कलेक्ट करता हूँ, तो यहाँ पे भी बहुत सारा है। एंड सहिता यहाँ पे फिलहाल अभी शॉपिंग वगैरह कर रही है, ये एक लिया हूँ घर के लिए। एंड इधर पे पार्टी वगैरह चल रहा है तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा होगा फिलहाल, तो ये ऐसा कुछ दुकान वगैरह है, दुकान वगैरह भी खुला हुआ है। एंड यहाँ पे बहुत सारा वैरायटी वगैरह का है तो आप लोग भी यहाँ से ले सकते हो। एंड फिलहाल अभी हम मैंने ये वाला लिया है, ये वाला कैसा है कमेंट में बताना। एंड सरिता भी वो वहाँ पे है फर वाला, वो घर पे लगाने के बाद फिर मैं दिखाऊंगा आपको, ये दो चीज़ लिया हूँ एंड देखता हूँ कुछ अच्छा मिलेगा तो हम लोग जाके लेंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे रखते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। देखो ये वाला पेड पार्किंग है, यहाँ पे आप स्कूटी वगैरह रेंट करके अगर लेके आओगे
तो यहाँ पे 50 रुपीज़ करके आपको पार्किंग देना पड़ेगा। ये रहा मेरा स्कूटी है सरिता, अभी पर्ची निकाल दी, पर्ची आप अगर गुम कर दोगे तो फिर से पैसा लेगा, तो इस वजह से उस चीज़ का ध्यान रखना। एंड यहाँ पे ऐसा पार्किंग वाला एरिया बहुत सारा मिल जाएगा, उस साइड पे भी आपको मिल जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे एंड दूसरा जगह मार्केट पे जाकर एक्सप्लोर करेंगे सरिता। अभी वो चीपेस्ट मार्केट में जाना है जहाँ पे एकदम सस्ते सस्ते चीज़ में बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिलता है ना, तो वहाँ पे जाके अभी एक्सप्लोर। कंफर्म नहीं है क्यों या फिर वही महंगा ही है। हाँ, तो वो आगे जाके पता चलेगा ना, तो इसके लिए तो वीडियो देखना पड़ेगा। 1 रुपीज़ वाला गार्डन कितना बोला? हाँ 10 रुपए बोला था, तो अभी उधर जाके पता चलेगा कितना क्या है। 1 रुपए वाला जो छोटा छोटा गार्डन मिलता है, हाँ। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, वो वाला 10 रुपीज़ बोला। हाँ। तो चीपेस्ट का भी कुछ भी नहीं है लगता, तो उधर जाके तो पता चलेगा ना, वो चीपेस्ट मार्केट तो सबको ही बोलता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वीडियो देखना पड़ेगा है ना, तो वीडियो जाके देखो तब जाके आपको पता चलेगा। गाइस हम लोग आ गए यहाँ पे मार्केट में, यहाँ पे बहुत ही अच्छा अच्छा चीज़ मिल रहा है, हैंडमेड वगैरह भी है। यहाँ पे इस साइड पे देखो, आप आओगे तो यहाँ पे आपको ऐसा देखने को मिलेगा। ये सब देखो काफ़ी मस्त मस्त है ना सरिता, ये देखो कितना छोटा छोटा ये सब क्या है। ये देखो भाई कृष्णा भगवान इतना छोटा छोटा है, ये देखो, ये देखो प्लेन भी है, इस पर उड़ के जाऊँगा मैं हम लोग घर पे। देखो ऐसा बहुत सारा शोपीस वगैरह है जो आप घर पे सजा सकते हो, काफ़ी अच्छा है, ब्यूटीफुल है। एंड ये सब अगर आओगे तो ऐसा टाइप का लेके जाना आप लोग, बेस्ट रहेगा। ये रहा है ना, ये सब केयरिंग वगैरह एंड बैग वगैरह भी है, बहुत ही अच्छा अच्छा है यहाँ पे। इससे सारा शायद पित्तल वगैरह का है। गोवा आयो और ये सब लेके नहीं जाओगे तो मज़ा नहीं आएगा, तो ये वाला 50 में दे रहा है। यहाँ पे अलग अलग टाइप का है, आप चाहो तो कलर चूज़ करके ले सकते हो। यहाँ पे देखो ब्लू वाला है, ब्लू वाला ज़्यादा खास लग रहा है ना सरिता, ये देखो ब्लू वाला, देखो कपड़ा मिक्स भी मैच हो रहा है ये वाला। तो चलो ये वाला डन करते हैं, ये वाला मैं ले रहा हूँ घर पे, ये वाला शोपीस सजाने के लिए। मैग्नेट है पीछे में, ये देखो, तो यहाँ पे काफ़ी सस्ता में मिल रहा है। तो गाइस ये देखो राधा कृष्णा जो दिख रहा है आपको, ये वाला नारियल का लकड़ी से बनाया है, काफी मस्त है, हैंडमेड है ना सारा अंकल? हाँ जी सर, सारा हैंडमेड है। यहाँ पे देखो अलग अलग टाइप का, यहाँ पे ये देख लो काफी मस्त है। और ये वाला कछुआ को, ये टर्टल को तो अभी तक देखे नहीं है समुंदर में, सीजन में आने से शायद दिखेगा। और ये देख लो ये क्या है पता नहीं, गांजा खाने का है, बहुत ही मस्त मस्त है। और यहाँ पे भी देखो हाथी को क्या मस्त है इधर पे। ये सब क्या कितना रेट का है अंकल? ये 350 वगैरह का है, तो आप बार्गेनिंग करके कम भी कर सकते हो। वहाँ पे देख लो। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सेम ब्लॉग। एंड आज एक नया दिन का शुरुआत कर रहे हैं एंड कल का ही वीडियो को अभी कंटिन्यू रखते हैं। फिलहाल अभी हम लोग जो होटल पे है वो देने वाला हूँ उस होटल का टूर, तो अभी मैं फिलहाल, ये है हम लोग का रूम नंबर 303, ये वाला है हम लोग का छोटा सा एक रूम मान लो, एक होटल मान लो, जो भी मानना है मान लो। एंड सही था, यहाँ पे सुबह सुबह चिप्स और मैगी वगैरह, ये चिप्स और वाई वाई खा रही है। तो फिलहाल गाइस कुछ ऐसा है हम लोग का रूम, ये देख लो, एक छोटा सा टीवी दिया हुआ है एंड यहाँ पे एक छोटा सा टेबल जिसमें रख सकते हैं कुछ सामान वगैरह। एंड यहाँ पे एक मिरर भी दिया गया है। ये रहा गाइस इधर पे है बाथरूम एंड इधर पे देख लो, यहाँ पे एसी लगा हुआ है, ऊपर में फैन भी है। और यहाँ पे बड़ा सा एक विंडो दिया है, एक छोटा सा चेयर दिया हुआ है एंड काइंड ऑफ इस टाइप का कुछ एक छोटा सा रूम है हम लोग का। एंड पानी वगैरह भी यहाँ से प्रोवाइड वगैरह कर देता है। तो अभी जो है इधर पे बाथरूम है, तो मैं आपको बाथरूम वगैरह भी दिखा देता हूँ। तो देखो घुसते ही आपको पहले यहाँ पे एक बड़ा सा मिरर दिखने को मिलेगा एंड यहाँ पे एक बेसिन है, यहाँ पे शावर है और यहाँ पे ये रहा शावर, वहाँ पे गीज़र भी लगा हुआ है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे अभी कूल वेदर है तो ठंड लगता है, तो पानी वगैरह जो है आप गर्म कर सकते हो या ठंडा भी कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक बाथ टॉयलेट दिया है, तो इस तरह का कुछ एक छोटा सा हम लोग का बाथरूम है, ये देख लो गाइस।